हेलो, मैं चाहता हूँ कि रमेश भाई तुम्हारे बच्चों के लिए कुछ कहें। सबसे पहले अलहिदायत पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर साहब और इस स्कूल के जितने भी शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, इस स्कूल के जितने भी छात्र और छात्राएं हैं और यहाँ पे आए हुए दूर दराज से हमारे गार्जियन, बच्चों के गार्जियन, आप सभी को, तमाम जनता जनार्दन को, एमडी रमेश रेजा सीतागाछी आपको दिल की गहराइयों से आपको सलाम करता है, आदाब करता है, प्रणाम करता है। शिक्षा की महफिल है, वो महफिल जिस महफिल में हमारे वो बच्चे जिन्हें की देश का नाविक कहा जाता है, वो नाविक जिनके हाथों में एक जिम्मेदारी होती है, उनके हाथों में एक पतवार होता है, अगर वह चाहे तो गाड़ी के उस ड्राइवर की तरह है ये बच्चे, अगर इन्हें हम ड्राइविंग अच्छी सिखाएं, इन्हें हम इनके कांधों पर जिम्मेदारियों देने का बोझ डालें, इन्हें हम मजबूत और सशक्त बनाएं, तो ये गाड़ी को सही जगह तक ले जा सकता है, ये मंजिल पार करा सकता है, अगर इनकी ड्राइविंग में कमी होगी, अगर हमारी गार्जियनशिप में कमी होगी, अगर हम इन्हें शिक्षित नहीं बना पाते हैं, इन्हें हम जहालत के अंधकार को इनकी मजबूरियों के दलदल में इन्हें हम रखते हैं तो हमारे बच्चे दिशा से भटक जाएंगे। मैं सलाम करता हूँ ऐसे तमाम टीचरों को, मैं सलाम करता हूँ ऐसे तमाम शिक्षकों को, मैं सलाम करता हूँ ऐसे तमाम शैक्षणिक इदारों को, ऐसे पब्लिक स्कूल को, कि सर आप ही लोग की देन है या आप ही लोग की बदौलत है कि आज हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, हमारे बच्चे पढ़ पा रहे हैं। और अगर आज हम सच को सच जान पाते हैं, अगर हम सच को सच जान पाते हैं तो इन्हीं स्कूलों की देन है। कहा जाता है कि एक रोशनी की तरह है, एक ऐसा रोशनी जैसे हम अंधकार कमरों में जाते हैं तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जब हम एक मोमबत्ती जलाते हैं तो हम देख पाते हैं गोरे को गोरा, काले को काला, लाल को लाल, सफेद को सफेद, अगर हम देख पाते हैं तो मोमबत्ती की रोशनी से देख पाते हैं। उसी तरह जब हमारे बच्चों के अंदर, जब हमारे अंदर तालीम की रोशनी आती है तो हम सही को सही और गलत को गलत देख पाते हैं। लेकिन मैं इन प्यारे बच्चों से कहना चाहूंगा कि शिक्षा तालीम से बढ़कर भी हमारे जिंदगी में किसी एक चीज का काफी महत्व है, वो है अनुशासन, वो है हमारा डिसिप्लिन, वो है हमारा शिष्टाचार। चूंकि प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हम यहाँ पे आए हुए किसी ने MBA किया है, किसी ने BA किया है, किसी ने MA किया है, किसी ने कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बहुत बड़ा है, तो कोई ये है तो कोई वो है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि किसी के कपाल पे लिखा हुआ नहीं है कि वो क्या है, किसी की माथे के, किसी की आंखें कितनी भी तेज क्यों ना हो जाए, वो किसी की माथे की लकीर नहीं कर सकता। हम किसी चाय वाले को जाके नहीं बोल सकते कि मैंने BA किया है, मेरे साथ तमीज से बात करो। हम बस के कंडक्टर को नहीं बोल सकते हैं मुझे इंग्लिश आती है, मेरे साथ तमीज से बात कीजिए, हर किस नहीं। जब वो चाय वाला, जब वो पान का दुकानदार, जब वो बस का ड्राइवर, जब हमारे किसान, जब हमारे मजदूर भाई से हम पेश आते हैं, हमारा इखलाक, हमारा व्यवहार उन्हें बताता है कि बंदा पढ़ा लिखा है, बंदे के अंदर शिष्टाचार है, बंदे के अंदर गुण है। अगर हमारे अंदर शिष्टाचार है, अगर हमारे अंदर इखलाक है, अगर हमारे अंदर हमारी शिष्टाचार को हम लेकर चलते हैं कि मैं यकीन के साथ कहता हूँ, अगर सामने खड़ा सकते DM भी है, देश का प्रधानमंत्री भी है, तो उन्हें हमारे साथ अदब से बात करनी होगी, उन्हें तमीज से बात करना होगा। और मैं कहना चाहूंगा कि इन्हीं स्कूलों का देन है, मैं फख्र के साथ कहना चाहूंगा इन्हीं स्कूलों का देन है कि आज हमारे बच्चे आंख से आंख मिला पाते हैं। मैं बात कर रहा था तालीम की, मैं बात कर रहा था अनुशासन की, तो तालीम के साथ साथ अनुशासन बहुत जरूरी है, अनुशासन के बिना हमारी जिंदगी अधूरी है, ठीक उसी तरह से अधूरी है जिस तरह रूह बिना, जिस तरह गीत बिना संगीत, जिस तरह डोली बिना दुल्हन, जिस तरह इश्क बिना मासूका।
ठीक उसी तरह से अनुशासन के बिना हमारी जिंदगी अधूरी है, हमारी तालीम अधूरी है। मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये प्रार्थना करना चाहूंगा, ये विनती करना चाहूंगा कि हमारा समाज आज जिस ओर जा रहा है, आज देश की हालात जो कह रहा है, ये बिकाऊ मीडिया हो या ये सियासत हो, मैं सियासत के लिए कुछ न कहना चाहूंगा, सिर्फ एक शायरी के मार्फत से मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम शिक्षित नहीं होंगे, अगर हम पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो सियासत हमें किस और ले आ सकता है। कहते हैं